आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय पर्यवेक्षक नंद किशोर यादव ने किया रीवा जिले का दौरा, कार्यकर्ताओं से की चर्चा। पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी प्रदेश में मजबूती के साथ बढ़ रही है। जिस तरह से पार्टी को और प्रदेशों में जनता का समर्थन मिल रहा है, उसको देखते हुए मध्य प्रदेश में भी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जीतेगी भी। पार्टी की दिल्ली सरकार की उपलब्धियों को यहां लोगों के सामने रखा जाएगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी जैसे बुनियादी सुविधाओं को प्रदेश के अंदर लागू कराना ही उनका मुख्य मुद्दा होगा। लोगों से जाके मिलना, अपनी बात को रखना, अपनी पार्टी के विचार को रखना, जो हमने दिल्ली में काम कर रहे हैं उसके विचार को रखना, वही है सर, वही एक एजेंडा है। हमारे पास उतना संसाधन नहीं है कि हम बड़े बड़े स्क्रीन चलाएंगे, अलग वीडियो मैनेज करेंगे, बहुत तरह की बात वो हम लोग नहीं कर सकते सर। हमारा एक ही माध्यम है, डोर टू डोर।